स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, और स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का जो हमारी वीडियो के माध्यम से सीखते हैं, और स्वागत है हमारे उन सभी पुराने स्टूडेंट्स का जो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा फॉल्ट रिपेयर करना सिखाएंगे पैनल का, जिसे रिपेयर करने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, यानी पैनल बॉन्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है उस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए। तो आज जो कस्टमर हमारे पास वो फॉल्ट लेकर के आए हैं, वो पहले किसी दूसरी दुकान पे गए थे कहीं पर, तो वहाँ पर उन्होंने पैनल मशीन पे भेजने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये मशीन से रिपेयर होगा और इसमें इतना खर्चा आएगा, ठीक है। तो कस्टमर को खर्चा ज़्यादा लगा, तो वो वहाँ से टीवी उठाकर हमारे पास लेकर आए। तो मैंने उस टीवी को जब देखा बिना खोले, तो मैंने भी उसको यही कहा, देखो भैया ये प्रॉब्लम तो मशीन की है, मशीन से रिपेयर होगा, लेकिन हम 10% कोशिश कर सकते हैं कि बिना मशीन के भी हो जाए। तो इस तरीके के कई फॉल्ट आ जाते हैं दोस्तों, जो मशीन के बिना ही रिपेयर हो जाते हैं। और वो फॉल्ट क्या है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक टीवी खुला हुआ है, जूम करके दिखाना जरा। तो इसकी आधी पिक्चर तो बिल्कुल ओके आ रही है और आधी पिक्चर ओके नहीं है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल कुछ भी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डबल कोफ वाला ये पैनल है, इसके सामने तो सब कुछ ओके है, मगर इसके सामने देख सकते हो आप कोई भी डिस्प्ले, कोई भी पिक्चर यहाँ पे नहीं आ रही है। इस फॉल्ट को हम कोशिश करते हैं रिपेयर करने की, अगर नहीं होता उसके बाद चेकिंग करते हैं तो पता चलता है कि कोफ की प्रॉब्लम है, मशीन पे भेजना ही पड़ेगा, तो उसके बाद मशीन पे भेजते हैं, पहले नहीं भेजते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस तरीके के फॉल्ट को कैसे आपको रिपेयर करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक टूल के द्वारा, और वो टूल है दोस्तों टी आयरन। तो आज हम इससे ठीक करने की कोशिश करेंगे इस पैनल को। ऐसा करने पर दोस्तों कस्टमर का भी फायदा है, क्योंकि उसके पैसे कम लगेंगे, और हमारा भी फायदा है कि हमें मशीन पर ले जाना नहीं पड़ेगा अगर वैसे ही रिपेयर हो गया तो, ठीक है दोस्तों। तो 10% ये वैसे रिपेयर हो ही जाता है, हाँ अगर कोफ खराब हुआ तब तो मशीन पर ले जाना ही पड़ेगा, तब तो मशीन पर भेजना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, बेकार लगे तो डिसलाइक भी करें। इसी के साथ दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए आप वीडियो करते हैं शुरू, और देखते हैं कि कैसे लिए हमने दोस्तों ले लिया है ये टी आयरन, और इस टी आयरन की हेल्प से हम जो हमारा एक कोफ है स्केलर की तरफ हीट करके देखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमारी पिक्चर आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले इसको हम गर्म कर लेंगे आयरन को अच्छे से। तो दोस्तों ये जो आयरन है ये 30 वोल्ट का आयरन है, और ये टी बिट हमने अलग से खरीद के इसमें लगाई हुई है, इसके आगे जो सोल्डिंग पिन है उसको निकाल दिया है, और हमने टी बिट मार्केट से खरीद करके 80 से 100 रुपए की आती है वो हमने इसमें लगा ली है, और इसके साथ ही आगे ये रबड़ लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये अच्छे से दिख रहा है ना कैमरे में, तो इसी आयरन से हम ये पैनल ठीक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये करना कैसे है, किस तरीके से करना है आपको दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कोफ के ऊपर जो स्केलर साइड कोफ है इसके ऊपर लगा के रखना है टी आयरन को, और इसे लगा के रखने की जो टाइमिंग है दोस्तों वो कोई फिक्स नहीं होती है, कभी एक मिनट भी लगता है, कभी दो मिनट भी लगता है, कभी पांच मिनट भी लग जाते हैं इसको लगा के रखते हुए। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर पिक्चर में कुछ चेंजिंग हो रही है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, और बीच में थोड़ा सा हम इसे ब्लर करेंगे, क्योंकि हम इस तरह कोई भी जो वीडियो है या कोई कॉपीराइट की वजह से हम दिखा नहीं सकते, तो इसलिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लर करके रखूँगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि पिक्चर अभी साइड से ठीक हो गई है, लेकिन आयरन अभी मैं नहीं हटा रहा हूँ, ये मान के चलिए 2-3 मिनट तक तो मुझे लगा के रखना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर पिक्चर एकदम क्लियर है, यहाँ पे अब हो गई है, लेकिन TRN को मैं भी नहीं हटाऊंगा क्योंकि अभी प्रॉपर हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो नीचे की जो ग्लू ड्राई हुई होगी इस कोफ की, तो वो प्रॉपर चिपक जाए, प्रॉपर फिक्स हो जाए, ताकि ये जो पैनल है हमारे पास, जो TV है, उसकी रिपीट आने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाए, मतलब ये रिपीट ही ना आए वापस। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आवाज़ ठीक आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि पिक्चर ही ख़राब हो गई थी। तो यही है दोस्तों कि हमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रिपेयर करने में, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ आयरन को, लेकिन प्रॉपर पिक्चर अभी देखो ख़राब हो जा रही है, क्योंकि टाइम लगता है दोस्तों इसके अंदर। और अभी यहाँ पर जो हमारे कमरे में पंखा भी चल रहा है, और अब हम पंखे को बंद करेंगे, ये पंखे को कर दिया है बंद, उसके बाद अब प्रॉपर हीटिंग पड़ेगी यहाँ पर और ये ठीक हो जाएगा। तो अभी देखिए फिलहाल ये ठीक है, और अब देखिए कुछ तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई है दोस्तों। देखो अब यहाँ पर हम कुछ भी हिला भी रहे हैं तब भी कुछ हो नहीं रहा है, देखिए। तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, लेकिन हम अभी इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, इसको थोड़ी देर तक और हम हीट करेंगे इसको। ये देखिए प्रॉब्लम दोस्तों भी है, तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को कट ना करके हम थोड़ा समय तो ज़रूर लेंगे आपका, लेकिन प्रॉपर आपको फिक्स करके दिखाएंगे ये वाली प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम आ ही जाती है TV के अंदर काफ़ी दिनों से, जब TV को काफ़ी समय हो जाता है तो कोफ के जो ट्रैक हैं वो ड्राई हो जाते हैं। दोस्तों शीशे की तरफ से तो ड्राई होने के चांस होते हैं कम, क्योंकि इसके ऊपर लगी होती है ग्लू, कोफ को शीशे पे चिपका के ऊपर से इसको सील कर दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पर सील नहीं किया गया होता है, तो ये वाली जो ग्लू है ना ये हो जाती है खराब, ड्राई हो जाती है। तो ये अच्छे से जो है फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर हीटिंग हमने कर दी है अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आवाज़ तो ठीक आ रही होगी इस वीडियो में। हम भी काफ़ी परेशान थे कि भाई हमारे जो दर्शक हैं उनके कमेंट्स आते थे कि सर आवाज़ तो बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, लेकिन अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और माइक की भी हमने सेटिंग को देखा, कैमरे की सेटिंग को भी देखा हमने, वहाँ पर कोई कमी नहीं मिली। उसके बाद हमने अपने माइक को अपडेट किया, सॉफ्टवेयर इसका अपडेट किया, उसके बाद हमने कुछ रिकॉर्डिंग करके देखी, उनकी आवाज़ अच्छी आ रही थी, तो अब हमने इसके लिए जब हमने समझा कि माइक ओके हो गया तब हमने ये वीडियो को बनाया है। तो यहाँ पर तकरीबन हमें एक मिनट से ज़्यादा हो गया है ये ऐसे लगाए हुए, और कुछ देर हम और रुकेंगे इसमें। माइक में थोड़ी डिस्टरबेंस भी थोड़ी आ जाती है, क्योंकि पंखा भी चलता है, जैसे एक और पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ को भी ये कैच कर लेता है,
तो ये छोटी मोटी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो इसमें आती ही आती है। हाँ, लेकिन आवाज़ क्लियर आ जाए वही बेहतर होता है कि बस हमें तो आवाज़ सुनना होता है, लेकिन आवाज़ ही अगर बहुत धीरे आए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमारी ख़राब हुई हैं आवाज़ की वजह से। टेस्टिंग करने के बाद भी वीडियो बनाते हैं ना दोस्तों, तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत रह ही जाती है। कभी कभार क्या है ना, हमने टेस्टिंग किया तब तो सही आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जब उसके बाद वीडियो शुरुआत कर देते हैं ना बनाने की, उसके बाद कई बार ये चलते चलते दिक्कत दे देता है। तो इस तरह कई वीडियो हमारी पहले भी ख़राब हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब इसको हो गए हैं 2 मिनट पूरे, 2 मिनट में बस कुछ सेकंड बाकी है। तो यहाँ पर अब हम आयरन को हटा देते हैं दोस्तों। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है दोस्तों, अभी टाइम लगेगा इसके अंदर, तो अभी टाइम लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को तो स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप ही आगे कर लेना वीडियो को, ठीक है। जहाँ तक आपका मन करे आप इसको देखो, नहीं तो आप आगे कर लेना, क्योंकि मैं अब इसको काफ़ी देर तक चिपका के रखने वाला हूँ, क्योंकि ये कई बार जो है ना पूरे 5-5 मिनट तक पकड़ के बैठना पड़ता है, तब जाके ये ठीक होता है। ये यहीं से ड्राई है, लेफ्ट हैंड साइड से ड्राई है कोफ। इसको काफी देर तक हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, तो हम इसको पकड़ के रखेंगे। दोस्तों काफ़ी देर लगाए रखने के बाद अभी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही चला के छोड़ेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद फिर से कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर ना आ जाए। तो हम वैसे इसको पूरा दिन यहाँ पर चला के छोड़ने वाले हैं, ताकि कस्टमर ये दोबारा से लेकर के ना आए हमारे पास। इसको यहीं पर फुल अच्छे से चेक करके ही हम कस्टमर को देंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके यहाँ पर पिक्चर आ रही है। बीच में हमने ब्लर किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्राइवेसी कुछ पॉलिसी होती है, कुछ कॉपीराइट पॉलिसीज होती हैं, जिसकी वजह से हम बीच में से थोड़ा सा ब्लर करके रखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि भी मैंने बताया, अभी इसको हम चला के छोड़ देंगे, जितना हम इसे चेक कर सकते हैं जितनी देर तक, हम उतनी देर तक इसे चेक करेंगे। अभी हमें घर जाना होगा 8 बजे, तब तक इसे चला के रखेंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह हम इसको आकर के चला के देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले दिन भी मैं आपको चेक कराऊंगा इसको, तो वीडियो को भी हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा स्किप, और कल फिर सुबह आकर के हम आपका को यहीं से इसकी एक बार चला करके एक बार देख लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी हम रात को बंद करके जाएं और रात को जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद सुबह फिर से ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अभी हम सेटअप को एज इट इज़ छोड़ के जाते हैं, कल फिर से आपको आकर के दिखाएंगे। दोस्तों आज है दूसरा दिन और आज हम आपको चेक कराएंगे ये TV कि ये ठीक चल रहा है नहीं, मेरा मतलब है ये पैनल ये ठीक है या नहीं, या पहले के जैसे ही ख़राब हो गया है, उसकी पिक्चर जो है आधी भाग गई है। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं। कल हमने, जैसा कि आपको पता है, कि TRN से हमने इसे रिपेयर करने की कोशिश करी थी और उसके बाद चेकिंग पे छोड़ा था। हमने रात के 8 बजे TV ऑफ किया था, उसके बाद अब आकर के हम इसे चेक कर रहे हैं। तो अब हम इसको पावर देते हैं दोस्तों। पावर देने के बाद इसमें कुछ प्रोग्राम चलाएँगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पैनासोनिक प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा और अभी भी ये TV ठीक है।
बिल्कुल ओके, ये टीवी चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देख कर के आपके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप TRN के द्वारा उसे रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इससे रिपेयर नहीं होता बाई चांस, तब आपको मशीन पे भेजना पड़ेगा, कोफ को रिबॉन्ड कराना पड़ेगा या फिर कोफ चेंज कराना पड़ता है। कोफ होता है दोस्तों ये जो फिल्म आप देख रहे हैं, एक बार दिखाऊँ यहाँ पर, ये होता है दोस्तों कोफ। अगर ये TRN से हमारा काम नहीं होता तब मशीन से ये कोफ को हम चेंज करवाते हैं। दोस्तों इस तरह की और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं नए नए टॉपिक्स के ऊपर LED TV रिपेयरिंग के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आ गई है आपको, वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और राज इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स करना है मोबाइल या TV का, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है स्टूडेंट्स के लिए, और दिल्ली के बाहर से जो आते हैं तो यहाँ इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में रहने खाने की व्यवस्था है। हमारी इस टॉपिक के ऊपर, हमारी हॉस्टल के ऊपर एक वीडियो भी डली हुई है यूट्यूब पर, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे। दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।